तो खिचड़ी का प्रोग्राम करते हैं। एक आदमी के ज्यादा नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा काम। देखिए चढ़ा दिए हैं दोस्तों, अब बनेगा तब जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। देखिए दोस्तों घी तो पक हो गया, घी डाल देते हैं थोड़ा सा, और खिचड़ी हो गया है। अब पेपर आ गया है, चल रहे हैं गाड़ी लेके, अब वहीं चोखा उखा गूड़ेंगे, वहीं खाया जाएगा। ठीक है दोस्तों निकल रहे हैं, खिचड़ी तो बन गया है, हवा भी बना हुआ है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नया ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखिए गाड़ी खाली हो गया है, सुबह हो गया, आज गाड़ी निकलेगा बाहर, और पेपर अभी होगा तब निकलेगा। देखो उधर कल्लू भाई के गाड़ी उधर खाली हो चुका है, और मेरा भी देखिए पूरा दिख रहा होगा आपको, पूरा खाली हो चुका है। अब वीडियो में बने रहिए, देखिए क्या क्या करते हैं ब्लॉक में। आज शनिवार भी है और 11 बज चुका है दोस्तों, तो अब खाना के प्रोग्राम भी बनाया जाएगा, खिचड़ी, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। चलिए तो खिचड़ी का प्रोग्राम करते हैं। एक आदमी के ज्यादा नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा काम। नगरी है अयोध्या के, भजन में राम का नाम न हो। तो चावल और दाल पहले डाल देते हैं दोस्तों, उसके बाद धो के चढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर आलू उसमें डाल देंगे सीधा सीधी। आधा गिलास इसे चावल देंगे, इतना दाल दे देते हैं। इसे निकाल लेते हैं सब कुछ, थोड़ा शायद गैस जला देंगे तो निकालने में एक ढक्कन निकाल लेते हैं, खाली निकाल लेते हैं। अब इसको इसमें आलू भी दे देते हैं दोस्तों, 3 आलू दिए छोटा छोटा, देखिए चोखा हो जाएगा, आलू भी सीध जाएगा, खिचड़ी भी हो जाएगा। ऐसे कैंटीन भी है यहाँ पर, लेकिन हम लोग जल्दी खाते नहीं होते। सच में डाल दिया सच में आ गया है। चलो फिर चलो उतार देते हैं, क्या होगा।
तो पेपर आ गया दोस्तों, अब इसको बंद करना पड़ेगा, यहीं पर रख देते हैं। अब ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा हमको। हमको भी बोला बोलने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और बाद में बनाया जाएगा। देखो कल्लू भाई निकल रहा है, देखिए चढ़ा दिए हैं दोस्तों, अब बनेगा तब जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। चढ़ा दिए, देखा जाएगा साहब फोन करेगा। अभी वो फोन नहीं किया, उसको पास बोला था वो ड्राइवर के पास। डाल देते हैं नमक, नमक डाल दिए और हल्दी डाल देते हैं। बन जाएगा, वहां जाके काटा उटा करा के फिर वहां खाएंगे। बस हो गया काम, खिचड़ी मार के डाल दिया। टमाटर है तो टमाटर बाद में डालेंगे, टमाटर लास्ट में। अब इसको ढक देते हैं पर्याप्त, पकने दीजिए आधा घंटा के बाद चलेंगे। देखिए दोस्तों घी तो पक हो गया, घी डाल देते हैं थोड़ा सा, और खिचड़ी हो गया है। अब पेपर आ गया है, चल रहे हैं गाड़ी लेके, अब वहीं चोखा उखा गूड़ेंगे, वहीं खाया जाएगा। तो गैस बंद कर देते हैं, इसको ढक देते हैं। दोस्तों निकल रहे हैं, खिचड़ी तो बन ही गया है, हवा भी बना हुआ है। अभी तो ऑफिस के पास आ गए हैं, पेपर लेके दूसरा ड्राइवर चला गया और डीजल इधर डालना है। तो मेरा वो साहब जो है डीजल देने वाला, वो बोले कि उधर ही रुकिए, हम आ रहे हैं। तो देखिए कितना टाइम लगेगा, तो उधर ही जाके खाना उना खाया जाएगा, काटा करवा के उधर टाइम मिलता है हम लोग के, काटा करवा लेंगे, शाम तक गाड़ी निकलेगा। अभी जब तक डीजल वाला आएगा तो आलू छील लेते हैं, कुछ कुछ काम करते हैं, देखिए कितना देर में आएगा। तो जल्दी जल्दी छील लेते हैं आलू, नहीं आएगा तो खा भी लेंगे। 1:30 बज गया है, बोलता तुरंत आता तुरंत नहीं है, जब तक खा लेंगे देखा जाएगा। खाए लंच के टाइम में साहब भी कुछ नहीं बोल सकते।
लहसुन दे देते हैं दो कली कच्चा लहसुन। अब जाएंगे कल तो थोड़ा मिर्ची उर्ची खरीदा जाएगा, मिर्ची सूख जाता है गाड़ी में और यहाँ तो अंदर में उतना सुविधा है नहीं कि डेली खरीदा जाए। चलिए नमक डाल दिए हैं, तेल भी थोड़ा सा डाल देंगे, तेल डालने थोड़ा सवाल, तेल डाले भी नहीं है उसमें भी नहीं डाले हैं, खिचड़ी भी नहीं डाले हैं, गैस का थोड़ा प्रॉब्लम बनाते रहता है इसीलिए उसमें नहीं डालते हैं। चलिए दोस्तों चोखा तो बन के तैयार हो गया, देखिए खिचड़ी निकाल लेते हैं। मिर्चा ले लिए हैं, मिर्चा ऊपर में दिए नहीं थे देखिए, तो चलते खाते हैं, यहीं पर बैठ के खा भी ले रहे हैं। खाना तो खा लिया है दोस्तों, बैठे हुए देखे साहब आएगा तब चले हैं यहाँ से काटा पर लेके गाड़ी। काटा यहाँ से दूरी है 3-4 किलोमीटर है। चलिए डीजल डाल लिए हैं दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। जाता रूता मनारो कम इतना कहल का हमार कर दा, तहरा बिना अब जी के करब का, तन का जहर के इंतजाम कर दा। देखिए दोस्तों पेपर मिल गया है, देखिए उधर गाड़ी वाला उधर लगा हुआ, उधर से लेके जा रहे हैं, देखिए मेरा गाड़ी उधर खड़ा है और इधर काटा है, तो काटा करवा लेते हैं। देखिए दोस्तों काटा करके सब गाड़ी लगा दिया, हम भी लगा दिए हैं, हम तो अभी आए हैं और देखिए उस्ताद लोग पहले लगा दिए हैं, ये गाड़ी भी खाली गाड़ी है। अब देखिए कब गाड़ी निकलता है, देखिए दोस्तों गेट से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं वहाँ जहाँ लोडिंग होता है उधर LRPC में। देखिए दोस्तों गाड़ी काटा करके लगा दिए हैं और भी गाड़ी लगी हुई है, इधर ही लोडिंग वोडिंग होगा। तो ठीक है दोस्तों अगला ब्लॉग में मिलते हैं, आज का ब्लॉग इतना है, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।